हेलो फ्रेंड्स, ए वीडियो देखिबा अष्टम श्रेणी बीजगणित पंचम अध्याय सूचक तत्व रो किछि बेसिक कांसेप्ट विषय रे जानिबा। ठीक अछि, सूचक तत्व माने हमरो जते सब घात राशि विषय रे एई चैप्टर टा आमे या पूर्वरु जानिचु गोटिए घात राशि कोण, सेई घात राशि रो घात कोण, आधार कोण, सेगुड़िक विषय प्रथम किसी आलोचना करदे। ये देख, पांच रत चार यार अर्थ कौन, पांच इंटु पांच इंटु पांच इंटु पांच, चार पांच रुणफल को आम पांच रत चार कौ, ये पांच रत चार गोटे घात राशि कहचु, कौन कौ घात राशि। ठीक अच्छे, ये आधार होची पांच, घात होची चार। ठीक अच्छे, एटा होची आधार, एटा होची घात, घात राशि। ठीक अच्छे, ए विषय आम आगुरु पढ़ी सारी। हेले देखो, आम आगुरु जानिचु गोटे निर्दिष्ट आधार रो गणन संख्या घात विशिष्ट घात राशि विषय जानिचु। देखो एठी गोटे आधार अच्छी, निर्दिष्ट आधार एठी चार होची घात, अर्थात चार गोटे गणन संख्या। एई चैप्टर रे एई वर्ष आमे एस्टा कौन जानिबा, गोटे घात राशि रे गोटे पूर्ण संख्या घातांक विशिष्ट गोटे राशि कौन एवं गोटे परिमेय घातांक विशिष्ट राशि कौन, से विषय रे जानिबा। आगुरु आम जानिचु केवल गोटे गणन संख्या बा धनात्मक पूर्ण संख्या घातांक विशिष्ट राशि विषय रे जानिचु। प्रथम देखिबा गोटे पूर्ण संख्या घातांक विशिष्ट घात राशि विषय रे देखिबा। आमे पूर्ण संख्या को आमे जेड कहचु, जेड रो उपादान गुड़िक कौन मन पकेबा। देखो एठी कौन, माइनस तीन, माइनस दुई, माइनस एक, शून एक दुई तीन, एमती ए सेट को आमे पूर्ण संख्या बा आमे ताकु जेड नामरे नामित करचु। आमे ए जो सूचक तत्व रो केवल धनात्मक घातांक विशिष्ट घात राशि विषय रे आगुरु पढ़ीछु, जहां मु पूर्वरु कहिली, अर्थात पांच रो घात तीन माने पांच इंटु पांच इंटु पांच, ए विषय रे आमे जानचु। वर्तमान देखिबा अन्यान्य घातांक पूर्ण संख्यार अन्यान्य उपादान मानकर घातांक विशिष्ट राशि विषय पढ़िबा। ताहेले देखो पूर्ण संख्या रे केते प्रकार संख्या अछि, गोटे हला धनात्मक संख्या, गोटे हला ऋणात्मक संख्या, आउ गोटे हला शून, शून धनात्मक नुहे कि ऋणात्मक नुहे। ताहेले ए कथा आमे जानिचु। वर्तमान देखिबा शून घात विशिष्ट राशि विषय जानिबा, माइनस घात विशिष्ट राशि विषय जानिबा, बा ऋणात्मक घातांक विशिष्ट घात राशि विषय रे जानिबा। प्रथम देखिबा शून घातांक विशिष्ट घात राशि विषय रे जानिबा। गोटे आधार अछि मन कर सात, यार घात शून माने कौन। ठीक अछि, यार घात शून माने एक, जे कोनोसी गोटे आधार रो घात जदि शून हबो ताहेले ताहा एक हबो, एटा आमे मन रखिबा। शून कथा सरिला, अर्थात कौन जे कोनोसी आधार हो तार जदि घातांक शून हुए ताहले ताहा एक हेबो। शून कथा सरला, वर्तमान देखिबा ऋणात्मक घातांक विशिष्ट घात राशि विषय रे देखिबा। देखो मु लिखिले गोटे आधार अछि एक्स, एक्स रो घात माइनस दुई माने कौन। एक्स गोटे आधार, यार घात ऋणात्मक घातांक थिले तार अर्थ कौन, तार अर्थ कौन एक बाई एक्स रो घात दुई आमे कही पारिबा। एक बाई तल को पलि आसला बोले तार ऋणात्मकटा धनात्मक हेजबो। एग्जांपल गुटे नै जिबा, देखो मु लेखिली दुई रो घात माइनस तीन, यार अर्थ कौन, यार अर्थ कौन एक बाई दुई रो घात तीन बा एक बाई दुई रो घात तीन माने कौन ना दुई इंटु दुई इंटु दुई, तीन माने घात तीन अच्छे बोले तीन थर गुणीबा बा वन बाई एट कोई परिबा। दुई रो घात तीन बोले जहा एक बाई आठ बोले ताहा। ठीक अच्छे, सेमिति आउ गोटे एग्जांपल नहीं जीवा, छ रो घात
माइनस दुई माने केते एक बाई छर घात दुई बा एक बाई छत्तीस कही परिबा। ठीक अच्छी ताहले देखो पूर्ण संख्या घातांक विशिष्ट घात राशि क्लियर हो गला। आमे तो धनात्मक पूर्ण संख्यार घात राशि विषय में आगर जानचु शून घात राशि विशिष्ट शून घातांक विशिष्ट घात राशि केते हबो ना एक आसीबो। ऋणात्मक घातांक विशिष्ट घात राशि केते आसीबो ना वन बाई एतिकी सरला। ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट जीवा परिमेय संख्या घातांक विशिष्ट घात राशि विषय में देखिबा। प्रथम जानिबा गोटे परिमेय संख्या माने कौन परिमेय संख्या सेट को आमे आर नाम नामित करूचु। आर कौन जदि परिमेय संख्या कौन जदि पी ओ क्यू दुईटी पूर्ण संख्या हुए एवं क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हुए तेबे पी बाय क्यू एक परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या कौन पूर्ण संख्या कौन ए सब विषय रे द्वितीय अध्याय आम सब जिन आलोचना करचु। जदि ए विषय रे जदि कोनसी डाउट अछि ताहले तले मु डिस्क्रिप्शन रे दे दउची द्वितीय अध्याय रो जते सब बेसिक कांसेप्ट से विषय रे तले डिस्क्रिप्शन रे दे दउची से वीडियो रो लिंक डिस्क्रिप्शन को जाई तमे माने से वीडियो जको देखि परिबो परिमेय संख्या कौन पूर्ण संख्या कौन गण संख्या कौन ए सब विषय रे तमरो बेसिक कांसेप्ट को क्लियर कर परिबो तले डिस्क्रिप्शन रे दे दउची। देखो एठी हम जानलु कौन परिमेय संख्या कौन पी बाय क्यू गोटे परिमेय संख्या जदि पी ओ क्यू दुईटी पूर्ण संख्या हुए एवं क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हुए ताहले परिमेय संख्या कहा जाए ताहले ताको परिमेय संख्या कहा जाए। एथरो ता अर्थ जे कोनोसी गोटे संख्या को आमे परिमेय संख्या कहिबा जार हर शून हेइ नथिबो। ठीक अछि दुई बाई तीन गोटे परिमेय संख्या एमिति गोटे भग्नांश गोटे भग्नांश घातांक विशिष्ट घात राशि विषय रे एठी जानिबा। ठीक अच्छे देखो एठी देला नौर घात एक बाई दुई यार अर्थ कौन यार अर्थ कौन नौर द्वितीय मूल बा रूट नौ बोली कही पारिया रूट नौ बोले केते तीन अर्थात नौर घात एक बाई दुई बोले जहा तीन बोले ताहा सेमिति आमे कही पारिबा सतैश रो घात एक बाई तीन माने कौन सतैश रो तृतीय मूल केमिति आमे काढ़ जानिछ। देखो सतैश को आमे तीन नुआ सतैश तीन तिरकी नौ केते आसला तीन इंटु तीन इंटु तीन तेणु सतैश जोड़ केते आसला तीन इंटु तीन इंटु तीन ए तीन टू आम गोटे नहीं जावा तीन हूँ यार तृतीय मूल सेमती आउ गोटे एग्जाम्पल नहीं जावा। देखो आठ रघात दुई बाई तीन माने केते देखो यटा को आम कि आठ को आम लिखिपर दुई रघात तीन रघात दुई बाई तीन लिखिपर आठ मान दुई इंटु दुई इंटु दुई जो आठ बा दुई र्यू को आठ कहीपर तेणु दुई रघात तीन इंटु दुई बाई तीन करदे आठ बदल में लिख ली दुई बाई तीन यहाँ कौन हम देख दुई रघात तीन इंटु दुई बाई तीन तीन को तीन कटिला के आसला दुई रघात दुई बा चार आसला एभली आम गोटे परिमेय घातांक विशिष्ट घात राशि माने कौन तापर। ठीक अच्छे आम आगर जानूँ गणन संख्या बा धनात्मक पूर्ण संख्यार घातांक विशिष्ट घात राशि विषय जानूँ ए विषय यही चैप्टर जानलु कौन शून घातांक विशिष्ट घात राशि विषय जानलु ऋणात्मक घातांक विशिष्ट घात राशि विषय जानलु परिमेय संख्या घातांक विशिष्ट घात राशि विषय जानलु। वर्तमान देखिबा ए घात राशि मानक भितर किछि प्रक्रिया देखिबा प्रथम देखिबा गोटे प्रथम देखिबा दुईटी सम आधार विशिष्ट घात राशि गुणफल को देखिबा सम आधार विशिष्ट माने देखो एठी गोटे घात राशि रहिला एठी गोटे घात राशि रहिला एमानकर आधार ए ए अर्थात आधार समान एमानकर गुणफल केते आसीबो देखो ए टू दि पावर एन प्लस एम अर्थात एठी कौन जानले ना सम आधार विशिष्ट दुईटी घात राशि गुणफल सेमानंकर घात राशि जोगफल सहित समान। गोटे एग्जांपल नहीं जाउची
ପାଞ୍ଚର ଘାତ ତିନି ଇଣ୍ଟୁ ପାଞ୍ଚର ଘାତ ଦୁଇ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖ ୟାର ଆଧାର ପାଞ୍ଚ ରହିଲା, ଏଇ ଘାତ ରାଶିର ଆଧାର ପାଞ୍ଚ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶି ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିବ ସେଇ ଆଧାର ଲେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଘାତ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚର ଘାତ ପାଞ୍ଚ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଉଛି। ମାଇନସ୍ ତିନିର ଘାତ ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ତିନିର ଘାତ ପାଞ୍ଚ କେତେ ଆସିବ? ମାଇନସ୍ ତିନିର ଘାତ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ କେତେ ଆସିବ? ମାଇନସ୍ ତିନିର ଘାତ ସାତ ଆସିବ। ଏମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଦୁଇର ଘାତ ତିନି ବାଇ ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇର ଘାତ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ସାତ, ୟାର ମଧ୍ୟ କେତେ ଆସିବ? ଯେହେତୁ ଆଧାର ଦୁଇଟା ସମାନ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିବ ନା ଘାତ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ସାତ ଏତିକି ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଦୁଇଟି ସମ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିର ହରଣର ଫଳ କେତେ ଆସିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଘାତ ରାଶି ଅଛି, ୟାର ଆଧାର ଏକ୍ସ ରହିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଘାତ ରାଶି ଅଛି, ୟାର ଆଧାର ଏକ୍ସ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟି ସମ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ, ଏମାନେ କେତେ ଆସିବ? ଏକ୍ସର ଘାତ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣଫଳ ଆସିଲା ସେଇଠି ଆଧାର ସେମ୍ ରହିବ, ଘାତ ରାଶି ଘାତାଙ୍କ କେତେ ଆସିବ? ସେମାନଙ୍କର ଘାତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବିୟୋଗଫଳ ରହିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା, ଚାରିର ଘାତ ତିନି ହରଣ ଚାରିର ଘାତ ଦୁଇ, ମାନେ କେତେ ଆସିବ? ଚାରିର ଘାତ ତିନି ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବା ଚାରିର ଘାତ ଏକ ବା ଚାରି ଆସିବ। ସେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ପାଞ୍ଚର ଘାତ ସାତ ହରଣ ପାଞ୍ଚର ଘାତ ମାଇନସ୍ ତିନି କେତେ ଆସିବ? ପାଞ୍ଚର ଘାତ ସାତ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ତିନି ବା ପାଞ୍ଚର ଘାତ ସାତ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଇଜଲ କେତେ ଆସିବ? ପାଞ୍ଚର ଘାତ ଦଶ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦୁଇଟି ସମ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିର ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଘାତ ରାଶିର ଘାତ କେତେ ଆସିବ। ଦେଖ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍ ଗୋଟିଏ ଘାତ ରାଶି, ଏଇ ଘାତ ରାଶିର ଏନ୍ ଘାତ କେତେ ଆସିବ? ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ? ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍ ଏନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘାତ ରାଶିର ଘାତ ଯଦି କାଢିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଘାତ ରାଶିର ଘାତାଙ୍କ ଏବଂ ତାର ଘାତକୁ ଗୁଣଫଳ କଲେ ଯେତେ ଆସିବ ସେତେ ଆସିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଦୁଇର ଘାତ ତିନି ର ଘାତ ଦୁଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁଇର ଘାତ ତିନି ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ବାଇ ଦୁଇର ଘାତ ଛଅ ଆସିବ। ପାଞ୍ଚର ଘାତ ମାଇନସ୍ ତିନି ର ଘାତ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ, ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ? ପାଞ୍ଚର ଘାତ ମାଇନସ୍ ତିନି ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ। ଦେଖ ପାଞ୍ଚର ଘାତ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ଦୁଇ ତିରି ଛଅ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶିର ଘାତକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳର ଘାତ ଏମ୍, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍ ବି ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ରାଶିକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ପାଞ୍ଚର ଘାତ ଚାରି, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଦୁଇର ଘାତ ଚାରି ଇଣ୍ଟୁ ପାଞ୍ଚର ଘାତ ଚାରି ଲେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶର ଘାତ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଏ ବାଇ ବି ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏହାର ଘାତ ଏନ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଏ ବାଇ ଏନ୍ ବାଇ ବି ବାଇ ଏନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଲବର ସେଇ ଘାତ ଏବଂ ହରର ସେଇ ଘାତ ଲେଖିପାରିବା। ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦୁଇ ବାଇ ତିନିର ଘାତ ଚାରି, ମାନେ ଦୁଇର ଘାତ ଚାରି ବାଇ ତିନିର ଘାତ ଚାରି ଲେଖିପାରିବା। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ସୂଚକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମେ ସୂଚକ ତତ୍ତ୍ୱର କିଛି ଅନୁଶୀଳନୀ ଆରାମରେ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।